जय गुरुदेव। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे व्यापारी की जो किसी ज़माने में भिखारी था। एक बार एक रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी। उस ट्रेन से सफ़र करने वाला एक व्यापारी नीचे उतरा तो वहाँ पर एक भिखारी उसके पीछे पीछे आ गया। मतलब भगवान के नाम पे कुछ दे दो, दो दिन से कुछ खाया नहीं है, भीख दे दो। उस व्यापारी ने उसकी तरफ देखा और कहा, अच्छे भले इंसान हो, कुछ काम कर लो। उन्होंने कहा, कोई काम देता नहीं है इसलिए भीख मांगनी पड़ती है। तो व्यापारी ने कहा, देखो मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, कुछ लेता हूँ और कुछ देता हूँ। मैं तुम्हें फ्री के पैसे तो नहीं दूँगा, मतलब भीख नहीं दूँगा, कुछ बेचोगे तो पैसे दूँगा। और वो आगे निकल गया। इस भिखारी को भी लगा कि हाँ बात तो सही है, मैं सिर्फ मांगू क्यों, चलो एक काम करता हूँ, इसके बाद ना जो भी मुझे भीख देगा उसको उसके एवज में कुछ ना कुछ दूंगा। तो वो स्टेशन के बाहर निकला, आसपास के पेड़ों से कुछ फूल तोड़कर ले आया। जब अगली ट्रेन आई और उसने मांगना शुरू किया, जो भी उसे कोई भीख देता वो उसे अपने पास के कुछ फूल उन्हें दे देता। इस तरह से वो अपना भीख मांगने का काम चालू रखा। कुछ दिनों बाद उसे ख्याल आया कि ये फूल जो है इनकी वजह से लोग उसको बुला रहे हैं और इन फूलों की वजह से उसके पास उसको लोग पैसे दे रहे हैं। तो फिर उसने और जंगलों में जाकर और अच्छे फूल, सुगंधित फूल लाना शुरू किया, कुछ मालाएं बनानी शुरू करी और इस तरह से हर स्टेशन पर वो बैठकर वो फूल बेचता। ट्रेन में आने वाले सफ़र करने वाले यात्री उन फूल और मालाओं से खुश होकर उसे पैसे देते थे। ऐसे करते करते कई साल बीत गए और कुछ सालों बाद वो भिखारी एक बड़ा एक व्यापारी बन गया और फूलों का व्यापारी। आज उसकी उस स्टेशन पर दुकान थी, वैसे ही आसपास के कई स्टेशनों पर उसने अपनी दुकानें खोल रखी थी जहाँ पर ताज़े फूल, मालाएं, हार, गजरे वो वहाँ पर बेचता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उस ट्रेन में वही पुराना व्यापारी फिर से सफ़र कर रहा था और उसी स्टेशन पर वो फिर नीचे कुछ पीने के लिए या खाने के लिए उतरा। जैसे ही वो नीचे उतरा उसने सामने से एक आदमी आता देखा। उस आदमी ने कहा, जनाब मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, किस बात का? आपको शायद याद नहीं होगा, कई सालों पहले आप इसी स्टेशन पर उतरे थे और मैंने आपसे भीख मांगी थी और आपने मुझे भीख देने से इनकार कर दिया था, इसके बदले में कुछ दो तो मैं पैसे दूँ, ऐसा कहा था। उसके बाद से मैंने जो भी मुझे भीख देगा उसे फूल देना शुरू कर दिया और फूल देते देते आज देखिए ये पूरे एरिया में मेरा एक बहुत बड़ा फूलों का व्यापार प्रस्थापित हो गया है, इसका श्रेय मैं आप ही को दूंगा। उसने कहा, देखा मैंने ना कही थी सिर्फ मांगना नहीं है, अगर जो भी मांग रहे हो उसके बदले में कुछ दोगे तो तुम्हें ज़रूर वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। हम भगवान के पास, अपने गुरु के पास, इस डिवाइन के पास जाते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। अगर हम उनसे ये कहें कि मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, मुझे फलस्वरूप तुम कुछ दो, तो आई एम श्योर भगवान आपको ज़रूर कुछ ना कुछ देगा। स्टे इंस्पायर्ड। जय गुरुदेव।